Good afternoon, students. This is chapter number first of class 11th. I'm starting this for class 11th. I'm your math teacher, Mr. Shabbir Ahmed. तो आज मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर जो है वो है नंबर सिस्टम. तो क्वेश्चन इज कि नंबर सिस्टम पे आने से पहले हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि रेशनल नंबर क्या होता है. तो जैसा कि आप जानते हैं कि वो नंबर, कोई भी नंबर जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें, एक होता है होना. यहाँ पे होना मुराद नहीं है, यहाँ पे है लिखना. जैसे आप टू बोलोगे तो टू, अगर आप बोलोगे कि टू रेशनल नंबर है कि नहीं है, टू इज़ अ रेशनल नंबर, बट ये है नहीं, इसको हम लिख सकते हैं. वो नंबर जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें, आपका क्यू जो है आपका डिनोमिनेटर वो ज़ीरो नहीं हो सकता, और आपके पी और क्यू यहाँ पे इंटीजर होने चाहिए. तो दिस इज़ द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ द रेशनल नंबर्स. तो रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन और विच कैन बी एक्सप्रेसड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स. तो फर्स्ट एंड द लास्ट थिंग इज़ कि आपका q ज़ीरो नहीं हो सकता और p एंड q इंटीजर्स होने चाहिए. जो ये नो नंबर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो रेशनल कहलाएगा, जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो इरेशनल कहलाएगा. तो अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसी बेस पे है, क्या बताना है, बताएं कि जो ज़ीरो है, क्या ज़ीरो को हम p वाई q की फार्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते. हमारा q ज़ीरो नहीं हो सकता, p ज़ीरो हो सकता है. तो ज़ीरो को हम p वाई q की फार्म में लिख सकते हैं. ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो बाई वन, ज़ीरो बाई टू, ज़ीरो बाई थ्री. तो यस, ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर, क्योंकि पी ज़ीरो हो सकता है लेकिन क्यू ज़ीरो नहीं हो सकता. और आपका वो यहाँ हम लिख सकते हैं, तो हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स है, ज़ीरो बाई वन, ज़ीरो बाई टू, ज़ीरो बाई थ्री. अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड सिक्स रेशनल नंबर्स बिटवीन थ्री एंड फोर. अब एक बात याद रख लें, तो दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं. तो जब आपको निकालने हों तो निकालने के लिए आप क्या करोगे, जितने भी आपको रेशनल नंबर निकालने होंगे, जितने भी आपको रेशनल नंबर निकालने होंगे, तो उससे एक नंबर ज़्यादा से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे. तो यहाँ पे इसने 8 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, आपको 6 रेशनल नंबर चाहिए, इसने 8 से किया, तो आप 7 से भी कर सकते हो. 7 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं तो आपको मिलेगा 7 3 इज़ 21 डिवाइड बाई 7, 4 7 इज़ 28 डिवाइड बाई 7. 21 बाई 7 और 28 बाई 7 के बीच में जो है आपको बहुत सारे नंबर, 7 नंबर बराबर मिलेंगे. तो इसने जो किया है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, वो किया है 8 बाई 8 से. तो 8 बाई 8 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड जब 3 और 4 को करेंगे, तो जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 होता है 24 डिवाइड बाई 8 वैसे ही, और 4 3 8 होता है 32 डिवाइड बाई 8 वैसे ही. अब 24 बाई 8 के बाद आता है 25 बाई 8, फिर 26 बाई 8, 27 बाई 8, 28 बाई 8, 29 बाई 8, 30 वाइड. तो हमें 6 चाहिए थे, इसने 7 लिखे हुए हैं, सॉरी हमें 6 चाहिए हुए, यहाँ पे 31 भी आ सकता है, तो हमें 6 ही चाहिए, तो इसलिए हमने 6 ही लिखे यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 बाई 5 एंड 4 बाई 5. सेम मेथड से हमने क्या करना है, 5 रेशनल नंबर चाहिए तो एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 से ज़्यादा एक क्या होता है 6, तो 6 बाई 6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे दोनों को. 3 बाई 5 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 6 से डिवाइड भी करेंगे. 4 बाई 5 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 6 से डिवाइड भी करेंगे, तो आपके जो रेशनल नंबर मिलेंगे, पहला रेशनल नंबर मिलेगा 18 बाई 30 और दूसरा नंबर मिलेगा 24 बाई 30. तो इनके बीच में आप देखो 19 बाई 30, 20 बाई 30, 21 बाई 30, 22 बाई 30, 23 बाई 30 आपके रेशनल नंबर्स हैं. तो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू आर फॉल्स, ट्रू हैं कि फॉल्स हैं. तो ये आपने बताना है क्या ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं कि फॉल्स हैं. तो एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, तो इट्स ट्रू. तो क्योंकि हर एक रेंज नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर होल हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे होल नंबर नेचुरल
नहीं हो सकते, फर्स्ट इज ट्रू। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, हर एक इंटीजर है वो होल नंबर होता है, लेकिन इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, लेकिन होल नंबर नेगेटिव नहीं होते, ये फॉल्स है। एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, सारे के सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं, इट इज़ फॉल्स, बट एवरी होल नंबर इज़ अ रेशनल नंबर। तो आज की इस चैप्टर में हम इतने एक्सरसाइज में इतना ही करते हैं, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए तब तक वेट कीजिए, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।